मौजूद हूँ तीन तलवार के ऊपर और इस वक्त यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो हैं उन्होंने जो ईद से पहले एक मैसेज चलाया था कि जो कम उम्र बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है वो उनको वालदेन जो है मोटरसाइकिलें ना दें, अगर देंगे तो फिर जब वो रोडों पे निकलते हैं तो उससे हादसा रुनमा होते हैं, लोगों की जानें जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं, जो बाइक छोटे कम उम्र के बच्चे चला रहे होते हैं वो भी जख्मी भी हो जाते हैं और जाबाज भी हो जाते हैं, वालदेन की भी परेशानी होती है, लेकिन वालदेन को मना करने के बावजूद भी अब जाहिर सी बात है वालदेन बच्चों के पीछे हर जगह कहाँ कहाँ तक जाएंगे। इस वक्त यहाँ पर जो बाइकें आप देख रहे हैं वो मुकम्मल तौर पे यहाँ पे लॉकअप कर दी हैं, बाइकों को बिल्कुल यहाँ पर बंद कर दिया है और यहाँ पर ये मौजूद हैं नौजवान लड़के जो कम उम्र नौजवान है 18 साल की इनकी उम्रें भी नहीं होंगी, सारे मेरे पीछे खड़े हैं जितने खड़े हैं, इन सबको रोका है, इन सबकी जो बाइकें हैं वो यहाँ पर इस वक्त बंद है। और कब कहाँ मेरे भाई कहाँ से छूटेंगी ये साहब एसएसपी साहब के हुक्म से आज हम लोगों ने किए जो साहब के हुक्म से हो रहे कम उम्र अपराध के खिलाफ, इनके वालदेन को साहब बुलाएंगे फिर साहब का जो हुक्म होगा जैसे साहब कहेंगे वैसे आगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सही है, तो आप क्या कह रहे थे? सर ये बंदे व्हीलिंग कर रहे हैं, वन वे से इनको पकड़ा गया है, दो गाड़ियां हैं। सही है, आप देख सकते हैं ये ट्रैफिक में वन व्हीलिंग कर रहे हैं, मैं मुझे आती भी नहीं है। तो जो वन व्हीलिंग कर रहे हैं और जो तेज बाइकें चलाते हैं राइडर्स बने हुए उनके वालदेन को ये मैसेज दिया जा रहा है कि कम उम्र बच्चों को जो है वो अपनी मोटरसाइकिलें ना दें जिससे हादसा होते हैं, और इस वक्त तीन तलवार के ऊपर काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो नौजवान यहाँ मौजूद है जिनकी बाइकें बंद कर दी गई हैं, और ये सिंध पुलिस की जानिब से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक अच्छा इकदाम है और अच्छा मैसेज है ताकि इस तरीके के हादसा से बचा जा सके।